स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। सतना में बीती शाम बड़ा हादसा हो गया। सीवर लाइन के 22 फीट गहरे गड्ढे में एक मजदूर मिट्टी में दब गया, जिसे निकालने में पूरा नगर निगम का अमला लग गया। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन मजदूर को जब बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे घटने में लापरवाही सीवर लाइन बनाने वाली कंपनी की मानी जा रही है, वहीं नगर निगम को भी दोषी बताया जा रहा है। घटना सतना के कोलगवा थाना अंतर्गत मारुति नगर की है। शाम तकरीबन 6 बजे की यह घटना है। 22 फीट गड्ढे में मजदूर सीवर की पाइपलाइन जोड़ने का काम कर रहा था, अचानक मिट्टी धस गई और मजदूर कई फीट नीचे दब गया। सूचना जिला प्रशासन को दी गई। नगर निगम की अलग अलग टीम रेस्क्यू करने में जुट गई। आपको बता दें कि मिट्टी में भारी नमी होने के कारण वह बार बार धस रही थी, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतें हुई। गड्ढे के पैरलर एक और गड्ढा खोदकर किसी तरह मजदूर तक पहुंच पाए। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी दुखद मौत हो चुकी थी। मृतक मजदूर का नाम सुरेंद्र कुशवाहा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिना सेफ्टी उपकरण के यह पूरा काम ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था। सीवर लाइन के लापरवाही पूर्वक हो रहे काम की वजह से यह घटना पहली नहीं है, पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। मर्ग कायम कर पुलिस भी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। आज मारुति नगर में सीवर लाइन के गड्ढा जब कर रहे थे तब घटना हुई है, उसमें एक लेबर दबा हुआ था, आपका क्या? आज लेबर दबा हुआ था, एक मिट्टी धसकने से, जो कि सीवेज लाइन डल रही थी और नीचे पाइप डाला जा रहा था, उसमें मिट्टी धसकने से एक लेबर दब गया था, जिसका अभी 4-5 घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको निकाला गया है और अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। अब डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या स्थिति है। क्या वो जो मजदूर निकाला गया है वो जीवित है या? अभी नहीं कहा जा सकता कि जीवित है कि नहीं है, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि जीवित है कि नहीं है। उसको तत्काल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। सर, शहर में ये लगातार सीवर लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर के तमाम समस्याएं हो रही लोगों को, यहाँ पर ही इसी मारुति नगर में ये तीसरी घटना हुई है, क्या अब इस पर कोई प्रशासन एक्शन लेगा या सिक्योरिटी मेजर्स को पॉलिसी? बिल्कुल, प्रशासन कंपनी पर एक्शन लेगा। नगर निगम से भी कहा जाएगा कि अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे वो, और बिल्कुल एक्शन लेगा प्रशासन।